प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। वहीं कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। इस बीच देश में अब तक लगभग 8 करोड़ लोगों को कोविड का लगा टीका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर हुए नक्सली हमले को लेकर जगदलपुर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, लड़ाई को अंजाम तक ले जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। बीजापुर और रायपुर के अस्पतालों में घायल जवानों से की मुलाकात। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिया इस्तीफा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के दिए आदेश। भाजपा ने उद्धव सरकार की खामोशी पर उठाए सवाल, कहा ये वसूली करने वाली सरकार है। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। तमिलनाडु की 234, केरल की 140, पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में कल होगा मतदान। असम की 40 और पश्चिम बंगाल की 31 विधानसभा सीटों के लिए भी डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के आर्क का काम पूरा। कटरा से बनिहाल के बीच रियासी के कोरी क्षेत्र में बन रहा है रेल पुल, जो 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का होगा हिस्सा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को शाम 7 बजे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ करेंगे बातचीत। परीक्षा पे चर्चा के जरिए प्रधानमंत्री मोदी छात्रों को परीक्षा को लेकर होने वाले तनाव को दूर करने के लिए करेंगे चर्चा। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डाल लेते हैं तफसील से खबरों पर। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में घायल जवानों की। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में घायल हुए जवानों से गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की और घायल जवानों का हाल जाना। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज सेनोन। मनोज से बात करते हैं। मनोज, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त अस्पताल पहुंच चुके हैं और वहां घायलों से उनका हालचाल जान रहे हैं, तो कितना बड़ा ये कहना चाहिए कि हौसला होगा घायलों के लिए? जी हां, अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री आज रायपुर में जो घायल जवान थे, जो मुखबिर में 3 तारीख को हुई थी बीजापुर जिले के, तो वहाँ पे उनसे जो घायल जवान हमारे थे उनका आज इलाज यहाँ पे रायपुर के कुछ अस्पताल में चल रहा है। 4 अस्पताल में इन सभी घायलों का इलाज चल रहा है। उनका हौसला अफजाई के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री आज इन सबसे मिले और उनका हौसला अपना अफजाई किया। और चार हॉस्पिटल में, अलग अलग हॉस्पिटल में रायपुर के इन जवानों का इलाज चल रहा है और उनका जाहिर है कि अमित शाह जी के मिलने से बड़े जवानों का हौसला निश्चित ही बड़ा होगा। बिल्कुल मनोज, अमित शाह ने कहा था कि उनके जो साथियों का बलिदान है, जो घायल इस वक्त लोग वहां मौजूद हैं, उनसे भी कहा कि जो बलिदान जिनका हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जी हाँ, आज जैसे अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री जी है, आज बीजापुर के वहां पे गए थे और जगदलपुर भी गए थे। जैसे कि जगदलपुर में उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दिया जाएगा और जो नक्सली के खिलाफ जो लड़ाई है वो और तेज करके एक अंतिम यानी निर्णायक दौर तक उनको ले जाएगा, तो ये एक अच्छे संकेत है। साथ ही साथ ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलके नक्सलवाद या माओवाद को कैसा किस तरह से पूर्ण रूप से खत्म किया जाए, इस पर भी उन्होंने वहां पे बातचीत के उच्च स्तरीय एक मीटिंग को भी उन्होंने एक संबोधित किया अधिकारियों के साथ। जो हमारे फोर्सेस के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी केंद्रीय गृह मंत्री ने उनसे भी बातचीत किया और आगे की रणनीति क्या कर सकते इस पर भी उस बैठक में चर्चा होने की संभावना। बिल्कुल, और इस दौरे से ये भी कहा जा सकता है कि जो नक्सली हैं उनको भी एक ऐसा संदेश जाएगा कि भारत जो सरकार है और जो हमारे जवान हैं वो इस हमले से घबराने वाले नहीं हैं। और बल्कि अमित शाह जी ने ये भी कहा कि नक्सली हमले में जितने भी लोग घायल हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और साथ ही साथ जो लोग घायल हुए हैं उनके लिए वो उन्होंने कहा कि हौसलामंद हम साबित होंगे।
जी हाँ जी हाँ, गृह मंत्री ने जो यहाँ पे जो यानी जो बस्तर का इलाका है, जो बीजापुर आता है, कांकेर आता है, ये सब जो जो छत्तीसगढ़ का एक नक्सली गढ़ माना जाता है, नक्सल एरिया माना जाता है, और वहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री का जाना एक अपने आप में एक संकेत देता है कि केंद्र सरकार इस नक्सलवाद को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए कितना कितना निर्णायक अपने गंभीरता से इसे इसे लेते हैं और आगे चल के इसका हमें एक अच्छा परिणाम निकल के सामने आएगा। बिल्कुल, वाकई एक बहुत अच्छा संदेश गया है और घायल जवान जो हैं उनको कहीं ना कहीं हौसला मिला है और आगे के लिए ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जीत पक्की है नक्सलियों के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो घायल जवानों से मुलाकात करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे अस्पताल और उन्होंने घायल जवानों का हाल जाना और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि घायल जवानों को हौसला मिला होगा। और बीजापुर में नक्सली हमले के बाद छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे जवानों का ये सर्वोच्च बलिदान है, उनके इस शौर्य ने इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया है, अब हम इसे अंजाम तक लेकर जाएंगे। उन्होंने जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। जो मुठभेड़ यहां पर हुई नक्सलियों के साथ, उसमें डीआरजी, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं भारत सरकार की ओर से, देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुँचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखे। गृहमंत्री ने कहा कि शहीद हुए परिवार के सदस्यों के साथ इस दुखद घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजनों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने, आपके पति ने, आपके बेटे ने जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उसको देश कभी भूला नहीं सकता। मैं भारत सरकार की ओर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की, दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके परिजनों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो उद्देश्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। जगदलपुर में श्रद्धांजलि देने के वक्त गृह मंत्री अमित शाह के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। अमित शाह ने हमले में घायल जवानों से भी मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सली हमले में जान गंवाने वाले जवानों को मैं नमन करता हूं और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इस घटना ने सभी को झंझोरा है। हमारे जवानों ने साहस का परिचय देते हुए नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। लगभग 26 नक्सली उस समय मारे गए थे। नक्सलियों को भारी क्षति इसमें हुई है और ये वो एरिया है जिसमें जो उनका गढ़ कहा जाता है, उनका केंद्र कहा जाता है और वहाँ हमारे लगातार कैंप खुल रहे हैं। मीरपम पिछले समय घटना घटी, पिछले साल घटना घटी थी, आज हमारे कैंप खुल गए, तर्रेम में हमारे कैंप खुल गए
तो इस प्रकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनकी बखलाहट है जिसके कारण से ये घटना घटी है। केंद्र के बल और राज्य के बल के जो दोनों अधिकारी हैं उनके बीच में यहाँ पर समन्वय भी है और संयुक्त रूप से ऑपरेशन भी हुआ है और आगे भी इस प्रकार से। अगली खबर पर नजर डालते हैं। वसूली के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह दिलीप वलसे पाटिल को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। देशमुख ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेज दिया है। देशमुख उद्धव से मिलने उनके घर भी पहुंचे। देशमुख ने इस्तीफे में लिखा, आज माननीय हाईकोर्ट की ओर से एडवोकेट जयश्री पाटिल की याचिका पर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है, इसलिए मैं नैतिक आधार पर गृहमंत्री के पद से इस्तीफा देता हूं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मुझे गृहमंत्री के पद से मुक्त किया जाए। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद अनिल देशमुख ने शरद पवार से मुलाकात में कहा कि वह पद पर नहीं रहना चाहते, वह सीएम को इस्तीफा देना चाहते हैं। पार्टी ने सीएम से उनका इस्तीफा मंजूर करने को कहा है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पवार साहब से मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि अगर सीबीआई जांच कर रही है तो मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, जिसे पवार साहब ने हाँ कहा और गृह मंत्री मुख्यमंत्री महोदय के पास इस्तीफा देने के लिए गए हैं और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री उसे स्वीकारेंगे। इससे पहले जो आरोप लगाए गए उस पर राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के लिए समिति गठित की थी। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट मांगी है। सीबीआई जांच का आदेश देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आरोप छोटे नहीं हैं और राज्य के गृहमंत्री पर हैं, इसलिए पुलिस इसकी निष्पक्ष जाँच नहीं कर सकती। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। परमबीर सिंह ने गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये की वसूली के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि देशमुख ने निलंबित एपीआई सचिन वजह को 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था। याचिकाकर्ता डॉक्टर जयश्री पाटिल ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच करने और कोई भी संज्ञेय अपराध पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। जो उच्च न्यायालय है मेरे मैटर में जो इंक्वायरी है सीबीआई को दी है। डायरेक्टर जनरल जो सीबीआई के है वो इंक्वायरी करे इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और मुझे बुलाए, मुझे इन्फॉर्म करे और इसमें इफ नेसेसरी कॉग्निजेबल ऑफेंस तो एफआईआर रजिस्टर करे। इस पूरे मामले पर भाजपा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा पहले होना चाहिए था, जिस समय उन पर आरोप लगे थे। उच्च न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेप किया, उसके बाद गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश की आज़ादी के बाद देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राज्य का पुलिस कमिश्नर उस राज्य के गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। ये राजनीतिक दल नहीं बल्कि वसूली करने वाले बन गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के इस्तीफे के बाद हम मांग करते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी अपना इस्तीफा दें। आज़ाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है कि पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री पर आरोप लगा रहा है कि गृह मंत्री एक क्वेश्चनेबल कंडक्ट के एएसआई सचिन वाजे को कह रहे हैं कि तुम 100 करोड़ रुपए का इंजाम करो। मुझे यह अपेक्षा नहीं थी कि वसूली आगाड़ी एक प्रकार से रोज बरोज साबित हो जाएगी। ये अनिल देशमुख का इस्तीफा है, इसमें क्या कहा गया है, मैं नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं। तो उद्धव ठाकरे जी, आपकी नैतिकता कहां है? क्या हम आपके नैतिकता के बारे में कुछ सुनेंगे? माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि शासन करने के नैतिक अधिकार से अब आप वंचित हो गए हैं। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने महाराष्ट्र के सचिन वजह मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। हमारी अपेक्षा होगी कि सीबीआई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी प्रामाणिकता से अवश्य करेगी और जो लॉ में प्रावधान है अगर उनको लगता है
कि प्राइमा फेशी केस है तो एफआईआर करने का उनका अधिकार है, और कोर्ट ने स्वयं पाया है कि मामला गंभीर है, गृह मंत्री इन्वॉल्व हैं, फेयर प्रोब मुंबई पुलिस के द्वारा नहीं संभव है। प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में बीजेपी की, चाहे वह महाराष्ट्र हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, यह अपेक्षा अवश्य होगी कि इस मामले की सारी परतें खोली जाएंगी। और आइए इस मामले पर और जानकारी लेते हैं अपने संवाददाता शिशिर से। शिशिर, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है, अगर हम महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो किस तरह का वहां बदलाव देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए रेशमा, जिस प्रकार से आज की पूरी घटना घटी है, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए ये बड़ा झटका है। जिस प्रकार से परमवीर सिंह का जो लेटर है, वो लेटर वो महाराष्ट्र में फूटा, उसके बाद पूरी तरह से देखा जाए तो पॉलिटिकल भूचाल यहाँ पर महाराष्ट्र में हम देख पा रहे हैं। क्योंकि अब देखा जाए तो महाराष्ट्र गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, अब देखना पड़ेगा कि उनकी कुर्सी आखिर कौन संभालता है। अगर महाराष्ट्र के गृहमंत्री पद अगर देखा जाए तो एनसीपी मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास है, तो ऐसे में राष्ट्रवादी के कौन से नेता होंगे जो अब गृहमंत्री होंगे, इस पर हालांकि कई सारे दावेदार आगे आ रहे हैं। उसमें दिलीप वलसे पाटिल भी है, राजेश टोपे भी है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जयंत पाटिल भी है। ये कई सारे गद्दावर नेता है एनसीपी के जो इस रेस में है, लेकिन इस पर अगर देखा जाए तो आधिकारिक तौर पर एनसीपी के तरफ से ही कोई जवाब आएगा। अभी अगर देखा जाए इस वक्त कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर इस पूरे मसले पर है, क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र के विपक्ष की हम बात करें, देवेंद्र फडणवीस जो कि विपक्ष के नेता है उनकी बात करें, तो उन्होंने पहले दिन से ही अगर देखा जाए तो उसमें कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी की मांग की थी या फिर सीबीआई की मांग की थी। हालांकि राज्य सरकार अगर देखा जाए इस पर कहीं ना कहीं लिपापोती करती दिखाई दे रही थी, और इसीलिए रिटायर्ड जज की जो मेंबर है उनको एक समिति बनाई गई है और उनको हालांकि इन्वेस्टिगेशन दिया गया है। विपक्ष की तरफ से ये भी कहा गया था कि इस समिति को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं है, चूंकि एक गृहमंत्री की वो पूरी तरह से इंक्वायरी करे और उनको सजा भी दे अगर वो इसमें दोषी पाते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं सेंट्रल एजेंसी या फिर कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी होगी, जिनके पास ये अधिकार होंगे, अगर वो ये पूरी इंक्वायरी करती है तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ असर दिखाई देगा। और आज जिस प्रकार से बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है, कहीं ना कहीं सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो जाहिर सी बात है इसमें कई सारे तथ्यों का खुलासा होगा। और यही आज देखा जाए तो महाराष्ट्र के विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है कि कई सारे अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो कई सारे ऐसे नाम हो सकते हैं इस पूरे केस में जो कि आगे आ जाए, सामने आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए महाराष्ट्र सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय होगा, और इसीलिए इस पूरे मसले पे हालांकि अगर देखा जाए इस वक्त सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे है। क्योंकि अगर देखा जाए, मैंने पहले कहा था कि गृहमंत्री पद एनसीपी के पास है, तो ऐसे में अब सरकार में जो दो अलग पार्टियां हैं, मतलब हम बात करें शिवसेना और कांग्रेस की, अब इस पर क्या रुख अपनाती है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। चूंकि इस पर काफी अगर देखा जाए कॉशियस कमेंट्स अब तक दोनों पार्टियों की तरफ से किए गए हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, कि उनका कहना था। चूंकि अब सीबीआई इंक्वायरी इसमें होगी तो ऐसे में क्या दोनों पार्टियां इससे अपना पल्ला झाड़ेंगी या किस प्रकार से आगे आएंगी, ये बड़ा सवाल है। और किस प्रकार से इस पूरे घटना में महाविकास आघाड़ी जो है क्या एक साथ जुटी रहेगी या फिर कोई दरार इसमें पड़ती है, ये भी बड़ा सवाल है। तो ऐसे में आने वाले समय में ये देखना होगा किस प्रकार से ये पूरी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और उस पर सरकार का रुख क्या होगा। लेकिन मौजूदा स्थिति पर जिस प्रकार सरकार की किरकिरी हुई है, जाहिर सी बात है सरकार अगले कदम फूंक के रखेगी। बिल्कुल शिशिर, अनिल देशमुख ने साफ तौर पर कहा है कि ये इस्तीफा मैं नैतिक आधार पर दे रहा हूं, यानी ये कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे सरकार पर कई तरह के सवाल भी खड़े किए जा सकते हैं इसी बात पर। बिल्कुल, हालांकि देखिए जिस प्रकार से ये पूरा मसला सामने आया उसके बाद विपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जो कि एक राज्य के सर्वे सर्वा है, अपने कैबिनेट के प्रमुख है, वो कहीं ना कहीं आगे आग पर इस पर टिप्पणी करे, उसके ऊपर कार्यवाही करे। लेकिन आज जिस प्रकार से हमने देखा कि कोर्ट की फटकार के बाद जो है सीबीआई इंक्वायरी यहां पर लगती है, और साथ ही साथ उसके बाद जो है गृहमंत्री जो अपना इस्तीफा देते हैं, कहीं ना कहीं ये बात जरूर खलती है। और यही बात जो है देखा जाए तो बीजेपी ने उठाई थी कि आखिर मुख्यमंत्री इस पूरे मसले पर मौन क्यों है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कही कि आज जबकि इस्तीफा हो चुका था उसके बाद गृहमंत्री जो है शरद पवार से मिलने गए, चूंकि एनसीपी के प्रमुख है, और एनसीपी से जो हालांकि उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं, इसको जो है मंजूर किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
की तरफ से हालांकि सबसे पहले ये डिमांड उठनी चाहिए थी कि आप अपना इस्तीफा रखिए। इस प्रकार का बयान जो है आज महाराष्ट्र की बीजेपी जो नेता है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने किया था। तो ऐसे में जहां पर एक और गृहमंत्री इस्तीफा दे जरूर दे रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है इसके ऊपर पूरी तरह से चुप्पी साधे रखे, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े जरूर करता है, ऐसा उनका कहना है। बिल्कुल शिशिर, आप अपनी नज़र बनाए रखें इस खबर पर, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे आपसे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर पर नजर डालते हैं। भाजपा का कल स्थापना दिवस है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भाजपा ने प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुनने के लिए कार्यकर्ताओं के लिए जिला स्तर पर विशेष व्यवस्था की है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। कल 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के कार्यकर्ताओं को 10:30 बजे संबोधित करेंगे और अब प्रदेश, जिला और मंडल स्तर पर कार्यकर्ता LED स्क्रीन लगा करके माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी कल उद्बोधन होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुष्पांजलि करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर। पुष्पांजलि करने के बाद वो संबोधित करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल की शाम 6:30 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग करेंगे। कोविड स्थिति पर प्रधानमंत्री करेंगे बैठक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। बता दें आपको 8 अप्रैल शाम 6:30 बजे ये बैठक होनी है और कोविड पर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री बैठक करेंगे और इस बारे में बातचीत करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की है कि वो कोविड अनुरूप व्यवहार को अपनाएं। उन्होंने कहा कि लोग मास्क पहने और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 1,00,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल शाम 6 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,16,82,136 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 92.80% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.31% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 52,847 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। पूरे देश में कोविड 19 की अब तक 7,91,00,000 से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना, हर समय करना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना, हाथों को साबुन से सैनिटाइजर की मदद से साफ रखना और भीड़ भड़क्के के स्थानों पर जाने को अवॉइड करना, ऐसे फंक्शंस को अवॉइड करना, इस नाते आप सबसे मेरी विनम्र अपील है, अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, समाज के और देश के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, कृपया कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने में ज़रा भी चूक ना करें। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान 57,074 नए केस आए हैं, जबकि 222 लोगों की इस महामारी से मौत हो गई है। कोरोना के इस नए केस के बाद अब तक महाराष्ट्र में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 30,10,597 हो गई है, जबकि सक्रिय कोरोना के मामलों की संख्या 4,30,503 हो गई है। तो वहीं कोरोना से अब तक राज्य में जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 55,878 हो गया है। और चिनाब नदी पर बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के आर्क के निर्माण का काम आज पूरा हो गया है। कटरा से बनिहाल के बीच रियासी के कोरी क्षेत्र बन रहा ये रेल पुल 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। ये पुल कश्मीर घाटी को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ेगा और इसको बनाने में 1,486 करोड़ रुपये की लागत आएगी। 1.3 किलोमीटर लंबे इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है, जो
पेरिस के एफिल टावर की ऊंचाई से भी 35 मीटर अधिक है। पुल को अगले साल तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है और इसके बन जाने के बाद इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ियां दौड़ सकेंगी। 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनिहाल रेल खंड का पूरा करने की दृष्टि से ये पुल बेहद महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचे पुल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस तकनीक के क्षेत्र में देश की बढ़ती ताकत का प्रतीक बताया। पीएम ने कहा, देश के जन जन का सामर्थ्य और विश्वास आज दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कर रहा है। ये निर्माण कार्य न केवल अत्याधुनिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित करता है, बल्कि संकल्प से सिद्धि की देश की बदली हुई कार्य संस्कृति का भी उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूल्यवान टिप्स साझा करने के लिए बुधवार को शाम 7 बजे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। परीक्षा पे चर्चा के जरिए प्रधानमंत्री मोदी छात्रों को एग्जाम को लेकर होने वाले तनाव दूर करने के टिप्स देते हैं। दरअसल पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का उद्देश्य ही छात्र कैसे बोर्ड परीक्षाओं के तनाव को कम करें और किस तरह से आराम से परीक्षा दें। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक नया फॉर्मेट, विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर कई दिलचस्प सवाल और हमारे बहादुर एग्जाम वॉरियर्स अभिभावकों और शिक्षकों के साथ एक यादगार चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके साथ ही एक वीडियो भी साझा किया है। नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, अब जानते हैं हम पिछले एक साल से कोरोना के बीच जी रहे हैं और उसके कारण आप लोगों से मिलने का मोह इस बार छोड़ना पड़ रहा है और मुझे भी एक नए फॉर्मेट में आपके बीच आना पड़ रहा है। परीक्षा पे चर्चा का पहला वर्चुअल एडिशन है। मोदी जी करेंगे परीक्षा को अवसर में परिवर्तित। समस्या तब होती है जब हम एग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लेते हैं। दरअसल एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है। मोदी जी करेंगे बच्चों से दोस्त बनकर बात। ये राय मैं पीएम के रूप में नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक दोस्त के रूप में बताता हूँ। और पूछेंगे पेरेंट्स और टीचर्स का भी हालचाल। आपकी सोच मेरी सोच, आपके इरादे मेरे इरादे, हम साथ साथ ही हैं। मोदी जी दिलाएंगे तनाव से मुक्ति। मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, वो तनाव कभी कभी बोझ बन जाता है। मोदी जी जगाएंगे बच्चों में नई शक्ति। देखिए दोस्तों, खाली समय इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है खजाना। पार होंगी बाधाएं, खोजेंगे नई दिशाएं। अच्छी किताब, अच्छी मूवीज, अच्छी कहानियां, अच्छी कविताएं, अच्छे मुहावरे या अच्छे अनुभव, ये सब एक प्रकार से ट्रेनिंग के ही टूल्स हैं। आइए करते हैं नए ढंग से परीक्षा पे चर्चा वर्चुअली। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है। आइए करते हैं परीक्षा पे चर्चा 7 अप्रैल 2021 बुधवार शाम 7 बजे टीवी चैनल्स और डिजिटल मीडिया पर कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें, नमस्कार। दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र।